हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज आपके लेके आ गए हैं पांच ऑफ कैंपस डायरेक्ट हायरिंग। दिस इज अ ऑफिशियल सुपरसेट हायरिंग इन द कंपनीज हायरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कॉग्निजेंट, डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो एंड आईबीएम। ऑल द कंपनीज आर हायरिंग द बिगेस्ट रोल यू कैन से कॉग्निजेंट डिजिटल ग्रेजुएट ट्रेनी, डेलॉयट हायरिंग फॉर एनालिस्ट, इन्फोसिस हायरिंग फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, विप्रो हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आईबीएम हायरिंग फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। You can say associate application developer. You can also say this name also. Okay. So यहाँ पर 2014 से 2019 batch के लोग सभी apply कर सकते हैं and Cognigent hiring for official superset hiring. So video को आप रही तक देखना और हमेशा की तरह आप लोग को सभी के ही apply link आपको मेरे video के description पे देखने को मिल जाएंगे। बता दो friend, यहाँ पर Cognigent जो है, आपका IBM जो है, ये सारे जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो आप लोग को किसी में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, किसी में आपको इंटरव्यू मेल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी में अप्लाई करना, और अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे आप लोग के पास एग्जाम या फिर इंटरव्यू के मेल आ सकते हैं, उसके लिए तो वीडियो को आप लोग इंट तक देखना होगा। और बता दो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट प्यार जरूर देना, एक लाइक करना। एक लाइक करने से सब कुछ जाने वाला नहीं है। बता दो फ्रेंड, आप लोगों से मेरे वीडियोस को बहुत लोग देखते हैं, बट अभी तक मतलब मोर देन 70% लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ जाएगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उनको देखो, बाकी सबको मत देखो, ये आपके पर डिपेंड करता है। बट सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, और अभी हम लोग 1K के काफी करीब है, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। सो चलिए करते हैं हायरिंग को स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग के डिलोटी जो यहाँ पर हायरिंग कर रही है एनालिस्ट डिजिटल वेब पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए, काफी जो रिक्रूटमेंट है। आगे बात करते हैं हैदराबाद लोकेशन। शिफ्ट टाइमिंग का बात करें तो 6:30 से लेकर 3:30 में वो काम करना पड़ेगा, और सुबह के 9 AM से 6 PM। एनी बैचलर डिग्री कैन अप्लाई एंड मिनिमम ऑफ 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे बोल सकते एक्सपीरियंस वीडियोस क्यों नहीं लेके आते हो, बता दो फ्रेंड, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ज्यादातर मैं एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई करना। मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ 2018 अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 2018 वाले तो एक्सपीरियंस ही हुए ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सभी लोगों के लिए ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको रेज्यूमे टिप्स भी मिलेगा, आप लोग चाहो तो फिर यहाँ पर आपका रेज्यूमे टिप्स वगैरह वगैरह भी फॉलो कर सकते हो। अप्लाई करना काफी सिंपल है, आपको सिंपली जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एज यूजुअल, और यहाँ पर आपको फ्रेंड जो है इंटरव्यू में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, एग्जाम आपको देखने को ज्यादा चांसेस देखने नहीं मिलेंगे। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल पर, देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट रेज्यूमे, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू एंड सबमिट सबमिट कर देना। देन आफ्टर आप लॉगिन करके एप्लीकेशन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फोसिस आप लोग के लिए हायरिंग कर रहे हैं प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए, काफी जो रिक्वायरमेंट है ऑन साइट फुल टाइम का रोल होने वाला है, बाकी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, आप इनके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से आपको जो है सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, नीचे आके फिर आपको अप्लाई कर देना है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर यहाँ पर कॉग्निजेंट आप लोगों के लिए डिजिटल वर्क प्लेस वर्क सर्विसेज ऑफ कैंपस ग्रेजुएट ट्रेनिंग वालों के लिए हायरिंग कर रही है 2021, 2 एंड 23 बैच के लोग इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सर्विस डेस्क रोल के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग का रोल है, 2021 से 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सभी अप्लाई कर सकते हैं, 50% क्राइटेरिया मेंशन किया गया 10, 12 डिप्लोमा में, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल एक्सपेक्टेशन और सैलरी पर 2.52 होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो जरूर चेकआउट करना, यहाँ पर जीडी वगैरह भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, फिर आपको लॉग इन करके अप्लाई करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका आईबीएम एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज एन एप्लीकेशन डेवलपर का आप इसको रोल बोल सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। रेज्यूमे को अपडेट जरूर करना अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विप्रो हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी काफी रिक्वायरमेंट है, ऑन साइट फुल टाइम का रोल है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी आप लोग स्किल्स वगैरह भी एक्सपर्ट में कुछ का, ठीक है। और यहाँ पर बीएफ कंपटीशन वगैरह कुछ मेंशन किया गया है, बट गो थ्रू हो जाना स्टार्टिंग टू एंडिंग, और एमआईएस रिपोर्टिंग आपका स्किल्स है, पेरोल पेरोल आईटी एक बार चेकआउट करना, अप्लाई करना, सभी का लिंक अवेलेबल है, अप्लाई करना। कहीं कुछ भी डाउट है पूछ लेना, नेक्स्ट अपडेट जाने के मुझे फॉलो कर लेना, जो भी एग्जाम अपडेट्स आएंगे इंटरव्यू पर मैं जरूर अपडेट करूंगा इस चैनल पर। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।